केंद्र मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उपचुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर कहा कि भाजपा कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पार्टी हर काम विचार कर करती है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी की प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर बयान दिया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, पार्टी के लोग विचार कर रहे हैं और जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस की लिस्ट पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी अपने पूरे प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है, अभी भी प्रत्याशी ढूंढ रही है और उधार ले रही है, लेकिन भाजपा विचार कर चुकी है, बीजेपी अपने कैंडिडेट घोषित करेगी और सब कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। अरे ये तो भारतीय जनता पार्टी है और ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी है। पार्टी के लोग विचार कर रहे हैं और जब उचित समय होगा तो घोषित कर देंगे। नहीं, कांग्रेस भी अभी पूरे नहीं कर पाई है और कांग्रेस तो कैंडिडेट को ढूंढ रही है, उधार ले रही है। भारतीय जनता पार्टी सारा विचार विमर्श कर चुकी है, बस उनको बस घोषित करना है तो कर देंगे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।